विकास एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल चपाती पर। मेरा नाम है पम्मी और आज हम एक बार फिर से जाने वाले हैं अपनी वही पुरानी पेरिस की गलियां, वही हिस्टोरिक पेरिस की गलियां जहां पर लास्ट टाइम मेरी एक छोटी सी पेंटिंग की दुकान थी। और आपको याद होगा कि उस पेंटिंग की दुकान के अंदर एक हमेशा एक बाबा आता था और वही बाबा डबल प्राइस पे, ट्रिपल प्राइस, क्वाड्रुपल प्राइस में घटिया से घटिया पेंटिंग क्वाड्रुपल प्राइस में लेता था। और उसी बाबे की बदौलत आज हमने बहुत ज्यादा तरक्की कर ली है और उसी तरक्की के पैसों से गाइस मैंने यहाँ पर आपने लिए आइसक्रीम बाय करके रखी हुई है। तो आज हम पेंटिंग बनाएंगे आइसक्रीम खाके। भाई इतनी तरक्की मैंने की है, इतना मैंने बिजनेस बढ़ा कर रखा है, एक टेस्ट तो हो जाए। और ये देखो गाइस अपना लक कितना मस्त चल रहा है। भाई अपनी दुकान की फोटो और मेरी फोटो एकदम अखबार के अंदर आ चुकी है। भाई पूरी फुल ऑन तरक्की हो रही है। और ये बात है 26 मार्च 1987 की। तो 26 मार्च और 1987 का पैरिस का कोई भी अखबार खोल लो, वहां पर मेरी फोटो आपको जरूर दिखेगी। खोलो पर्दे भाई, मेरी ब्रांड न्यू शॉप। भाई तो उन्हीं पैसों से, वही बाबे के पैसों से गाइस मैंने अपनी शॉप एकदम से अपग्रेड कर ली। अरे यार तरक्की तरक्की हो रही है यहाँ पर। फिलहाल गाइस हमारे शॉप के अंदर थोड़ा बहुत मैस पड़ा हुआ है, तो मेरा कोट पड़ा है यहाँ पर, ये हीटर वगैरह यहाँ पर पड़े हुए हैं। और ये देखो वैसे आर्टिस्ट की शॉप में हमेशा गाइस मैस ही होता है, तो ऐसे टेंशन करने वाली कोई बात नहीं है। और अभी मुझे इसी शॉप के अंदर एकदम जी तोड़ काम करना है, मस्त मस्त पेंटिंग्स बनानी है और वही पेंटिंग्स दो नंबरी बाजार के अंदर बेच के दो दुगनी तीन चुगनी परसों चुगनी तरक्की करेंगे। पता नहीं कैसे बोलते हैं, बस ऐसे ही बोलते हैं कुछ ना कुछ। मेरे अंदर से कला जाग रही है, अंदर से कला की आवाज आ रही है। आज हम बनाएंगे ब्लैकबेरीज। इमेजिन करो मैं जा रहा हूँ बाइक के ऊपर और एक ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो इमेजिन करो मैं बाइक के ऊपर जा रहा हूँ और साइकिल चलाते चलाते मेरे को मिलते हैं ब्लैकबेरीज के ट्रीज। अरे तो सबसे पहले आएगा अपना ब्लू ब्लू स्काई। ओहो मेरे को ऑलरेडी फील ले रहा हूँ यहाँ पर यार। उसके बाद आता है अपना स्ट्रेट रोड। ये देखो गाइस साइकिल का रोड एकदम मस्त, कंट्री साइड लेन्स, छोटे छोटे कंट्री साइड के रोड। और उसके अंदर रोड के ऊपर लगा हुआ है छोटा सा डिवाइडर। ऑब्वियसली गाइस मैंने यहाँ पेंटिंग की दुनिया में तरक्की कुछ ज्यादा कर लिया, तो मेरे को अपना आर्ट वर्क जो है एकदम टॉप पर लेके जाना पड़ेगा। और आगे बढ़ने से पहले हमें यहाँ पर बनाने पड़ेंगे छोटे छोटे ब्लैकबेरीज के ट्रीज, हल्की हल्की बुशेज, हल्की हल्की ब्रश को हल्का सा टच करो कैनवस के ऊपर, आहा, और फील लो इनोसेंट ब्लैकबेरीज की ट्रीज, एक ऊपर एक नीचे। ये देखो आगे आ रही है, एक पीछे आ रही है, जंगली ब्लैकबेरीज, वाइल्ड वाली। और आपको पता है वाइल्ड वाली ही बहुत टेस्टी होती हैं। अभी उसके बाद गाइस मेरे को यहाँ पर फाइनल टच देनी होगी और वो होगी हमारी ब्लैकबेरी। एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, और आखिर में गाइस मेरे को यहाँ पर छोटी छोटी ब्लैकबेरीज लगा रही है। देखो आहा, बिल्कुल ऐसी दिखनी चाहिए, ये देख रहे हो ना। फोकस करो चोगू कैमरे मेरे पर नहीं, इस पर, समझ गए आप, मैं ऐसे ही बना के दिखाता हूँ आपको। अभी कोई बंदा आएगा साइकिल के ऊपर मेरी तरह और पूरा बैग भर के घर पे ले जाएगा। उसको केले के जूस के अंदर भी डाल सकता है, उसको आइसक्रीम के अंदर भी डाल सकता है, उसको खाने के साथ भी खा सकता है, खाने के बाद भी खा सकता है और खाने से पहले। ये देख रहे गाइस, इसे कहते हैं कला, इसे कहते हैं कला वाली बहरी। से कैसा लग रहा है जैसे किसी ने यहाँ पर उल्टी कर दी झाड़ी के ऊपर, लेकिन चलो कोई बात नहीं, अभी हमारी बारी आएगी, हम आएंगे साइकिल पर। तो ये रहा गाइस अपना फेस और अपनी एक छोटी सी बॉडी और ये रही आंखें, ये रहा मेरा पटका यहाँ पर, और ये रही अपना, ये रहा अपना मुंह। उसके बाद ये रहे गाइस अपने हाथ। मैं साइकिल ऐसी चलाता हूँ, ठीक है, कोई किसी को प्रॉब्लम है क्या? तो ये रही मेरी बॉडी और ये रही गाइस अपनी टांगे। ये तो कच्चा बन गया यार, ये तो जॉगिंग हो रही है भाई साइकिल की जगह। लेकिन कोई बात नहीं गाइस, हम यहाँ पर अपने लिए एक छोटी सी साइकिल बनाएंगे, खतरनाक वाली, छोटी बट खतरनाक। साइकिल का ये फ्रेम ठराठा, उसका हैंडल और ये जा रही अपनी साइकिल गाइस, ऑटोमेटिक है, अपने साथ चलती है, उसको चलाने की जरूरत नहीं है, वो खुद चलती रहती है। और अभी हम बनाएंगे ऊपर गर्मी और कुछ बर्ड्स भी उड़ रहे हैं यहाँ पर। आर्टिस्ट की फीलिंग को गाइस समझो आप। और ये जाएगी बिल्कुल फ्रेम के अंदर और इसको हम नाम देंगे टपोरी। देखो मन की गहराई में से क्या शुद्ध नाम निकल रहा है। अरे बाबा आइए आइए आइए, आपकी शॉप है, हम तो सिर्फ आपको लूटने के लिए बैठे हुए हैं। अरे मोटा कस्टमर आया है, छतरी बंद कर दे, दुकान के अंदर बारिश नहीं होती। छतरी ओके, मुझे बिजी रखना अपने आप को, पेंटिंग को चेकआउट कर रही है। 700 हाँ थैंक यू, तालियां ही बजा के जा रही है। देखो गाइस इसे कहते हैं गाइस प्योर रिस्पेक्ट। और गाइस शायद आपको याद नहीं होगा, कुछ दिन पहले मैंने अपने ट्विटर के ऊपर एक पोस्ट डाला था जहां पर मैंने देखा था कि मैं क्या ड्रॉ करूं, और भाई बहुत सारे लोगों ने अब मेरे को अपने अपने सजेशंस देकर रखे हैं। तो काम करते हैं, शुरुआत करते हैं ईशान भाई से। ईशान भाई बोलते हैं कि अपने यूट्यूब का पासवर्ड अपलोड करने से पहले बता देना, तो हम उनको अपने यूट्यूब का पासवर्ड बताएंगे नहीं।
उनको ड्रॉ करके दिखाएंगे। और आदेशान भाई अभी रेडी हो जाओ। तो ये है अपने यूट्यूब का पासवर्ड और यूजर नेम। अरे आंटी जी फिर से आ गई, रुको सबर करो मैं बना रहा हूँ खतरनाक वाली चीज। सबसे पहले मेरे को देना ये ब्लू वाला बैकग्राउंड। इस बार बैकग्राउंड चेंज करते हैं, इस बार हम देंगे ऑरेंज वाला बैकग्राउंड। अरे क्या मस्त लग रहा है। ऑरेंज वाले बैकग्राउंड के ऊपर ऐसे ब्लू ब्लू लाइंस हैं, किधर गए ये वाले, ये देखो। आहाहा अरे एकदम धमाकेदार। सॉरी गाइस थोड़ा बहुत मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया, लेकिन कोई बात नहीं, अभी एकदम मस्त लग रहा है। तो ठीक है, तो ये है गाइस हमारा यूट्यूब का लोगो। तो सबसे पहले आता है हमारा यहाँ पर यूजर नेम। तो यहाँ पर मेरे को यहाँ पर लिखना होगा ऐसे यूजर नेम, और उसके नीचे मेरे को एक डब्बा बनाना जहाँ पर हम लिखते हैं सारे अपना यूजर नेम। तो ये है वो डब्बा जहाँ पर हमें लिखना होगा अपना यूजर नेम, और ऑब्वियसली इस डब्बे का बैकग्राउंड होना चाहिए व्हाइट। और ये यहाँ से मेरे को हल्के से व्हाइट करना होगा, और व्हाइट करते इसकी आउटलाइन चली गई, लेकिन कोई बात नहीं गाइस, हम फिर से काले रंग का ब्रश लेके आउटलाइन वापस डाल सकते हैं। असली आर्टिस्ट को पता होता है कि कैसे पेंटिंग को फिक्स करना है। और हम अंदर अपना यूजर नेम लिखेंगे, ये किसी को बताना मत, ठीक है। ओके अभी इसके नीचे आता है अपना पासवर्ड। ओके सबसे पहले मेरे को एक डब्बा बनाना पड़ेगा यहाँ पर, और इसके बाद मेरे को यहाँ पर करना होगा डब्बे के पीछे मेरे को देना होगा एक व्हाइट कलर का बैकग्राउंड, और अभी आता है अपना पासवर्ड। और गाइस आपने नोटिस किया होगा जब पासवर्ड आप टाइप करते हो ना, तो वो गूगल आपको ऐसे ऐसे कुछ डॉट देता है। तो इमेजिन करो पासवर्ड टाइप कर रहा हूँ। ईशान भाई को क्या लगा मैं यहाँ पे अपना असली पासवर्ड टाइप करूंगा? ईशान भाई मेरे को लॉयर समझ कर रखा क्या आपने? और बाय द वे ऐसी जोक के लिए ठीक है, गलत वो नहीं निकालते इसका। मेरी पेंटिंग अभी रेडी हो चुकी है, अरे मैंने पासवर्ड नहीं लिखा। एक काम करते पासवर्ड वाला सेक्शन जो है हम नीचे लिख देंगे यहाँ से पेन से। तो ये है अपना पासवर्ड, ठीक है। ऑलरेडी कस्टमर मेरी शॉप के अंदर घूम रहे हैं भाई, इनको माल चाहिए खरीदने के लिए। और इस पेंटिंग का नाम रखेंगे गोबर जोन, ऐसा ठीक है, ये परफेक्ट नाम है इसका। और हमारे ट्विटर पर गाइस एक फॉलोअर है जिसका नाम है अजीम हैदर, उनके पास एक तोता है जिनका नाम है गोलू, और वो हमारी वीडियोस देखता है तोता। तो हम अभी गोलू को बनाएंगे। ओके अभी गोलू को बनाने के लिए मेरे को चाहिए सबसे पीछे ब्लू स्काई। इमेजिन गोलू आसमान की बुलंदियों में उड़ रहा है। तो इमेजिन करो गोलू एक टहनी के ऊपर बैठा हुआ, पेड़ की टहनी के ऊपर, और ऑब्वियसली गाइस पेड़ की टहनी होती है ब्राउन कलर की। तो हम यहाँ पर बनाएंगे ब्राउन कलर की टहनी। तो ये यहाँ पर गई, ये यहाँ पर गई, और अभी टहनी के ऊपर मेरे को देने छोटे छोटे डिटेल्स। भाई कलाकार को पता होता है कि टहनी को कैसे रियल लाइफ में लेके आया जाए। हे चल बे मेरे को ये एलिजाबेथ, मेरे को ये $475 में नहीं बेचने, निकल जा से। उसके बाद मेरे को तोते का मुंह बनाना होगा, वो भी बड़े वाला। तो हम इसको देंगे ग्रीन वाला कलर। तो ये है अपना बड़े वाला। अरे एक्चुअली पैरेट कलर लग रहा है मेरे को, तो यार इसको मैं छेड़ूंगा नहीं अभी। एक काम करते हैं गाइस पहले आउटलाइनिंग कर लेते हैं तोते की। तो ये कुछ ऐसे मैंने कर दिया, और उसकी बीक जो कि ऑब्वियसली आई थिंक लाल कलर की होनी चाहिए, एंड ये अंदर गया और ये यहाँ से अंदर गया। अरे थोड़ा बहुत मैंने कुछ चूमर कर दिया यहाँ पर, बट इट्स ओके, ठीक है यार, नए नए आर्टिस्ट के लिए ठीक है। इसको देंगे अंदर से थोड़ी बहुत डिटेलिंग, और मेरे को ये करनी होगी यहाँ से ये देखो थोड़ी बहुत। तो चुंज उसकी मुंह से लंबी हो चुकी है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी उसकी मेरे को बॉडी बनानी होगी। तो ये यहाँ पर बैठा हुआ है पेड़ के ऊपर, कौवा लग रहा है मेरे को तोते से ज्यादा। और ये हो गए उसके फेदर्स बड़े वाले, आपको तो पता है इस तोतों के फेदर्स कुछ ज्यादा ही बड़े वाले होते हैं। और ये आता है अपने गोलू का मेन बड़े वाला फेदर, ये देखो बिल्कुल बॉडी के ऊपर। हल्की सी डिटेलिंग हम थोड़ी बहुत डिटेलिंग देंगे डार्क ग्रीन में भी, ये देखो ऐसे 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 और ऐसे, एक यहाँ पर एक यहाँ पर एक यहाँ पर, और थोड़ी बहुत मुंह के ऊपर भी। इस पेंटिंग को हम नाम देंगे अपना गोलू। और उसके बाद गाइस मेरे को ट्विटर के ऊपर एक और सजेशन आता है, और वहां पर मेरे को बोला जाता है कि आप ड्रॉ करो डोरेमोन। और रे एब्सोल्युटली ब्रिलियंट आइडिया ये। आई थिंक डोरेमोन बनाना इतना हार्ड नहीं होना चाहिए, बस सिंपल ही होना चाहिए। एक बड़ा सा गोला यहाँ पर डाल दिया, उसके बाद उसकी लातें आ जाती हैं यहाँ पर, एंड एक और लात। और एक्चुअली बिना कुछ करे ये वही लग रहा है, और ऑब्वियसली उसके गले के अंदर लाल रंग का एक पट्टा भी होता है, मेरे को अच्छे तरीके से याद है। और ऑब्वियसली आप सबको पता होगा कि पट्टे के अंदर उसकी एक बेल भी होती है। अरे मैंने खराब कर दिया थोड़ा बहुत, लेकिन कोई बात नहीं, इसको मैं रब आउट कर सकता हूँ। एक्चुअली रब आउट नहीं है, मैं उसके ऊपर ब्लू पेंट कर रहा हूँ, तो यार टेक्निकली देखा जाए तो रब आउट ही हो गया यहाँ पर। कमान यहाँ से भी इसको पेंट किया जाए, यहाँ से भी पेंट किया जाए। और ऑब्वियसली डोरेमोन की जो घंटी होती है वो गोल्डन कलर की होती है, तो यहाँ पर मेरे को गोल्डन सा ये देना। और इसके बीच में अगर मैं हल्के से ऐसे करूं और ऐसे यहां से कर दूं तो एक्चुअली में घंटी लग रही है। ओके अभी उसकी मुझे मुंह की थोड़ी बहुत जो है आउटलाइंस बनानी पड़ेंगी, और मेरे को पता है उसकी बड़ी सी आंख है एक यहां पर और एक यहां पर, इसको यहां से कनेक्ट कर देते हैं।
और इसको यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ से इसको व्हाइट करना होगा और इसका फेस भी मेरे को यहाँ से व्हाइट करना होगा। और फाइनली गाइस डोरेमोन की बिग स्माइल और उसका मुंह, मेरे को नहीं बेचनी 599 में भाई। और मुंह का अंदर वाला हिस्सा होता है हमेशा उसका रेड, तो ये यहाँ से मैंने भर दिया उसका। यहाँ पर बनेगी उसकी रिमोस खतरनाक। कौन सी पॉकेट है यार वो, पता नहीं मैजिक पॉकेट बोलता है क्या कहते हैं। तो ये देखा उसकी पॉकेट बन चुकी है और मेरे को अभी उसके यहाँ पर पैर बनाने होंगे। थरा था और थोड़े बहुत थरा था यहाँ पर। अपना हीरो एकदम से रेडी हो चुका है और आप भी इसको लगाते हैं सेल के ऊपर और इसका ना हम नाम रखेंगे डोरू। एकदम क्यूट नेम। अरे हमारे शॉप के अंदर बहुत सारे कस्टमर्स ऑलरेडी घूम रहे हैं यार, पूरी पेंटिंग्स चेकआउट कर रहे हैं, लेट्स गो। उसके बाद गाइस मेरे को एक और सजेशन आया था और वो सजेशन था शुभराज से और वो बोलते हैं कि पैगो बंदर को बनाओ, तम्बीन द ग्रेट मैन, उसको बनाते हैं अभी। और मेरे को पक्का पता है कि उसका फेस एकदम एक हार्ट की तरह, अगर देखा जाए ना तो बड़ा सा हार्ट बना हुआ यहाँ पर। तो यार थोड़ा बहुत इसको बड़ा बना देते हैं ऐसे। तो गाइस ये रहा उसका फेस और ये रहे उसके कान। नहीं बेचना मेरे को गोलू को भाई 579 में, 600 से मेरे को ज्यादा ऑफर करो तो मैं बेचूंगा उसको। डोरेमोन के बारे में क्या बोल रहे हैं, अनओरिजिनल, छतरा मैंने घुसेर देना अंदर तेरे। डोरेमोन अपनी पॉकेट में से वो चपेड़े वाला गैजेट निकाल लिया, उसको बताता हूँ मैं आज। ऑब्वियसली ये येलो कलर उसके मुंह के ऊपर नहीं जचता, लेकिन जो कलर मेरे को चाहिए उसके मुंह वाला वो मेरे को मिल ही नहीं रहा, लेकिन कोई बात नहीं, हमें फिलहाल येलो से गुजारा करना पड़ेगा। ओके और अभी आती है उसकी आंखें, छरारा, ये देखो कुछ इस तरह से उसकी आंखें। 600, थैंक यू सर जी, डोरेमोन मैंने बेच दिया। और उस तरफ इसकी आती है दूसरी आंख और उसका मुंह। लेट्स गो, एकदम प्यागो बंदर लग रहा है मेरे को। सिर्फ एक पेंटिंग और बनानी है यहाँ पर और हम बनाएंगे इमेजिनेशन के अंदर जाके इसको करेंगे एकदम लैंडस्केप में, हम बनाएंगे क्यूट सा घर। हर एक क्यूट घर की जो है शुरुआत होती है बैकग्राउंड से और हम बैकग्राउंड रखेंगे एकदम ब्लू वाला। और गाइस आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी मेरे को पेन एंड पेपर मिलता था ना बचपन में, तो मैं हमेशा यही चीज बनाया करता था, यही, और उसके अंदर मैं हमेशा रैंडम कलर दिया करता था। तो सबसे पहले मेरे को यहाँ पर बनाना होगा एक घर, तो ये रही उसकी घर का जो है मेन, जो ऐसे जो ट्रायंगल सा बना होता ना वो चीज। तो फिलहाल गाइस मेरे को फटाफट से बनाना पड़ेगा, बाद में मैं आराम से बैठ के ना क्रट कर लूंगा। और ये रही गाइस हमारी घर की छत, मैं हमेशा जो है अनजान कलर दिया करता। 601, लेट्स गो, गोलू's gone भाई, गोलू को हमने फाइनली बेच दिया ब्रोस। एक लाइक बनता है गोलू के नाम पर। और अभी मुझे घर की जो है दीवारें बनानी पड़ेंगी, हमारा घर होगा ब्राइट ब्राइट। अभी आता है हमारे घर का गाइस छोटा सा रूम, नॉट रूम आई मीन डोर। तो ये अपना डोर और ये दरवाजा खोलने के लिए वो हैंडल। उसके बाद मेरे को यहाँ पर घर की जो मेन लेआउट है वो बनानी होगी यहाँ पर, और वो बहुत ज्यादा इजी है। तो हमारा पूरा ओवरऑल घर होगा गाइस पिंक कलर का। हमेशा फॉर सम रीजन मैं हमेशा यहाँ पे खिड़की बनाता था यहाँ पर ऐसे, और खिड़की मेरी हमेशा ऐसी होती थी ऐसे करके ऐसे, फिर यहाँ पे डी और यहाँ पर भी डी, और हमारी एटिक में भी खिड़की हुआ करती थी हमेशा, एक यहाँ पर डी और एक यहाँ पर डी। और ये रही हमारी छोटी सी, लाइक ये हमेशा मैं बनाता था ताकि अगर किसी कबूतर वगैरह को अंदर आना है या चिड़िया वगैरह को अंदर आना है तो वो आराम से आ जाए घर के अंदर। तो यहाँ पर मेरे को इमेजिनेशन मेरी होती थी बहुत तगड़ी वाली, मेरे को हमेशा लगता था कि हमारी घर की जो जो सीलिंग होती है जहाँ पर ऑब्वियसली कोई बंदा जाता नहीं है, वहाँ पर बर्ड्स रहते हैं हमेशा। तो यार तो बर्ड्स के आने जाने के लिए मैं हमेशा यहाँ पर छत घर के अंदर जो है गोला बनाता था। अभी आएगा हमारे घर के पास एक छोटा सा एक ट्री, और इस ट्री की गाइस मेरे को हल्की हल्की आउटलाइनिंग भी करनी है। ये देखो, आहा हा क्या बात है, एकदम मस्त ट्री। इसको यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। और हमेशा फॉर सम रीजन ये ट्री होता था अपना एप्पल का, पता नहीं क्यों, नो ऑरेंजेस नो मैंगो, हमेशा ये ट्री होता था एप्पल का। घर के पीछे बड़े बड़े पहाड़, ऊंचे ऊंचे पहाड़। तो ये रहा अपना इमेजिनेशन वाला घर जो कि मैं हमेशा बनाता था, और इसको हम नाम देंगे इमेजिनेशन। Let's go. Come on. किसको कदर है हमारी इमेजिनेशन की। अरे बंदर तू अफोर्ड नहीं कर सकती मामा, भाई बरसात भी नहीं हो रही फिर भी छतरी लेके घूम रही है। अरे मेरा घर बिक रहा है 450, अरे मुझको अपना कैमरा हटाना पड़ेगा यहाँ से। तो $454 में बेच दो इसको, लेट्स गो। तो चलिए गाइस इस पेंटिंग वाली वीडियो में इतना काफी है, मेरे को तो बहुत मजा आया, हमने बहुत बहुत चीजें बनाई, एकदम एपिक फन किया। तो मैं मिलता हूं नेक्स्ट वाली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय।